किरदार अब तक जो नहीं मैंने किया वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। इतने सालों तक जिस तरह का एक्टिंग में करता रहा, कॉमेडी रोल्स में ज़्यादा दिखता रहा, वो इसमें नहीं मिलेगा। इसमें कुछ अलग रंग, अलग रूप मेरे दर्शकों को देखने को मिलेगा। इनकी वैल्यू को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने पीआर का काम इतने सालों तक किया और इतने बड़े लेवल पर किया। और दिल्ली में तो 1000 से ज़्यादा फिल्मों, बड़ी फिल्मों का पीआर उन्होंने किया, 1000 से ज़्यादा फिल्में। वरना किसी की मजाल है जो पहली बार फिल्म डायरेक्ट करे और तुरंत रिलीज भी वो फिल्म हो जाए? ये अपने आप में अनुभव होता है, तो ये अनुभव उनके पास है, इस बात का एहसास मुझे था, इसलिए मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उसको हाँ। देखिए पिंटान दहल प्रोडक्शन के बारे में मैं कह सकता हूँ, ये लोग बड़े हम्बल किस्म के प्रोड्यूसर हमको मिले, जो सिनेमा की बारीकी को समझने की समझ रखते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में आपको तकलीफ नहीं होती और इन ऐसे लोगों का ही आगे बढ़ना निश्चित होता है। इसकी यूएसपी ये है कि और तमाम हॉरर फिल्मों की तरह ये नहीं है। इसकी कहानी, इसका म्यूज़िक, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक इसकी यूएसपी है। यूएसपी ना कह सकूँ तो कम से कम यूएस का लास्ट पी जो है वो उसका एक पार्ट अदा करने का मौका मुझे भी मिला है। एक सीन था जिसमें वो जैकेट वाला एक सीन है, वो टफ था। मैंने कहा रिहर्सल नहीं करेंगे इसका, तो वो बगैर रिहर्सल के और पहला एक ही टेक उसका किया था, जिंदगी भर के लिए यादगार हो गया था।